हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका CISF कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले यहाँ पर CISF कॉन्स्टेबल ड्राइवर यहाँ पर वैकेंसीज इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर कट ऑफ का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जो इसका यहाँ पर रिजल्ट आना था एग्जाम रिजल्ट, वो यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसकी यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी या फिर ज़्यादा जाएगी। दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो कैंडिडेट हैं CISF कॉन्स्टेबल ड्राइवर में रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत खास रहने वाली, स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में CISF कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ कि जैसे यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था 31 अक्टूबर को, उसका यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। एग्जाम होने के बाद यहाँ पर 3 नवम्बर को यहाँ पर आंसर की जारी हो चुकी थी। आंसर की जारी होने के बाद यहाँ पर कितने यहाँ पर कितने मार्क्स में यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है, रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वहाँ कितनी रहने वाली है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, जो यहाँ पर एग्जाम क्रॉस करने के लिए यहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए, और यहाँ पर जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी यहाँ पर कुछ दिन पहले, उस वैकेंसीज इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर CISF कॉन्स्टेबल ड्राइवर की जो यहाँ भर्ती थी उसके यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली CISF कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, CISF कॉन्स्टेबल ड्राइवर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें पोस्ट वैकेंसी और सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर सारी जानकारी दी गई थी। दोस्तों, जब यहाँ भर्ती निकल के आई थी CISF ड्राइवर में, तब यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज थी यहाँ पर 451 थी दोस्तों, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसीज इंक्रीज होने की वजह से अब यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी हैं 708 हैं। तो दोस्तों, इसमें जब से यहाँ पर फॉर्म भरे गए तब से लेकर आज तक सिर्फ यहाँ पर जो पहली स्टेज रहती है एग्जाम की, यहाँ पर 31 अक्टूबर को यहाँ पर एग्जाम हो चुका है। जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया, भी सभी कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, उसकी जो यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है, कितनी जाने वाली है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, CISF कॉन्स्टेबल ड्राइवर में जो यहाँ पर एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के एंड तक दे दूंगा। और दोस्तों, जो यहाँ पर वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं उनकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये CISF ड्राइवर जो यहाँ पर वैकेंसीज आउट हुई थी यहाँ पर 451 पर, और वैकेंसीज इंक्रीज होने की वजह से 700 कुछ वैकेंसीज हो गई थी। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कट ऑफ का फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा नहीं तो यहाँ पर 35-40% यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ का फर्क पड़ने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट EWS कैटेगरी से आते हैं, उनकी यहाँ कट ऑफ यहाँ 70+ में जाने वाली है, जनरल में 73+ में जाएगी, OBC में 71+, SC में 65+, और ST में जो कट ऑफ जाने वाली है 62+ में कट ऑफ जाने वाली है। और दोस्तों, बात करें सेफ स्कोर की, तो दोस्तों सेफ स्कोर जो यहाँ पर रहने वाला है यहाँ 68 से यहाँ पर 70+ में सेफ स्कोर रहने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जिन कैंडिडेट यहाँ एग्जाम में 68 से यहाँ 70+ में मार्क्स होंगे, उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है एग्जाम में। CISF कॉन्स्टेबल ड्राइवर की जो भर्ती निकल के आई थी, उस एग्जाम में जिस कैंडिडेट के यहाँ पर 68 से 70 के बीच में मार्क्स होंगे, उन कैंडिडेट के यहाँ पर 100% सिलेक्शन होने वाला है एग्जाम में, वही कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और दोस्तों, जो कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अब बात करो यहाँ पर रिजल्ट की, तो दोस्तों रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था 31 अक्टूबर को हुआ था, यहाँ पर 3 नवंबर को यहाँ पर आंसर की आई थी। अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट की, तो दोस्तों रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर लाइन से चल रही है, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होते हैं, जब भी यहाँ कोई जानकारी होती है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं बता दूँ, 31 अक्टूबर को यहाँ पर एग्जाम हुआ था CISF कॉन्स्टेबल ड्राइवर में, उसके बाद यहाँ पर 3 नवंबर को यहाँ पर आंसर की आई थी, फिर वैकेंसीज इंक्रीज हुई। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होनी थी, पर दोस्तों यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा।
तो दोस्तों इसकी को देखते हुए लगता है कि यहाँ पर जो रिजल्ट है इसको यहाँ पर भी डिले किया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आंसर की जारी हुई है, फिर उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज हो गई। तो दोस्तों इन सब को देखते हुए मैं आपको बता दूँ सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर का जो रिजल्ट है इसे आने में यहाँ पर टाइम लग सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट को आने में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट मंथ 15 या फिर 20 दिसंबर, दोस्तों दोबारा से रिपीट कर दूँ, 15 या 20 दिसंबर से पहले पहले यहाँ सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर में यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट यहाँ पर सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर में एग्जाम दे के आए थे 31 अक्टूबर को, वे सभी कैंडिडेट टेंशन ना लें। अगर रिजल्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानकारी मिलने वाली, वीडियो मिलने वाली। और दोस्तों जब भी यहाँ पर रिजल्ट जारी होता तो सबसे पहले आपको जानकारी इस चैनल पर मिल जाएगी, और रिजल्ट के साथ साथ कितनी कट ऑफ गई उसकी भी जानकारी आपको उसी टाइम और इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों टेंशन फ्री होकर जो कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी इस चैनल को जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी कैंडिडेट को सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए रिजल्ट के बारे में या फिर अदर चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर देना है, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना।